फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। हर बार की तरह आज भी कुछ हम नया ही सीखेंगे और वो है दैट सॉस पास्ता। है ना डिफरेंट, कभी हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, कभी हम गुजिया बनाते हैं, तो आज हम दैट सॉस पास्ता ही सीखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँच पाएंगी। तो चलो आइए सीखते हैं। सॉस पास्ता बहुत ही इजीली रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए हमने एक बाउल पास्ता लिया है। मैंने यहाँ पर जो है पाइप पास्ता लिया है जिसमें लाइंस होती हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ में बड़े दो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने रफली कट कर लिया है। 1 कैप्सिकम ली है मैंने और इसे भी मैंने कट कर लिया है। लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर, साल्ट और 2 स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। चलो आइए हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे पास्ता और साथ में नमक इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम पकने देंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। इसमें नमक इसलिए डाला है ताकि जो हमारा पास्ता है वो खिला खिला बने और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, तो वो हम नमक का इस्तेमाल इसलिए ही करेंगे। इसको पकाने के लिए हमें यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेंगे। हमें थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन जब तक ये अच्छे तक नहीं गलेंगे तब तक हमें इसे गैस से नहीं उतारना है। जब तक हमारा पास्ता पक रहा है तब तक हम रेड चिली सॉस बनाते हैं। इसमें मैं जार लूँगी और इसमें टमाटर डाल दूँगी और साथ में जो हमने सूखी लाल मिर्चें ली हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे गार्लिक, साल्ट, 1 स्पून साल्ट और अगर आप इसमें इसके कलर को रेड करना चाहते हैं तो इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर दिया है, हमारी रेड चिली सॉस तैयार हो गई है। आप इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं, जो फूड कलर होता है उससे ये और रेड हो जाएगी, लेकिन मैं रेड कलर यूज़ नहीं करती हूँ। देखिए, हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल पक चुका है और ये हम इसे प्रेस करके देखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसे बाउल में छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले ये कैसा था और उसके बाद ये कैसा हो गया है। अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई ली है और इसमें हम पास्ता डाल देंगे और फिर हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसके ऊपर 2 स्पून हमने ऑयल लिया है वो डाल देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इसमें मैजिक मसाला ऐड करेंगे, उससे इसका कलर और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें अनियन भी ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें रेड चिली सॉस जो हमने बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे।
ज़्यादा रेड ये कलर से होती है, लेकिन कलर ऑप्शनल है, वो आप चाहे ऐड करें वो आपके ऊपर है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक रखेंगे। अब हमें 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलकर देखते हैं। हमारा रेड चिली सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे।